हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप अपना ड्रोन खोना नहीं चाहते तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बेसिकली हम दो तीन चीज़ों के लिए ही अपना ड्रोन खो देते हैं। उनमें से जो सबसे पहला है बैटरी का फुल्ली चार्ज नहीं होना। इसके वजह से भी हम बहुत बार अपने ड्रोन को खो देते हैं। जो सेकेंड दूसरा कारण है, जब हवा तेज होती है तो हमें कभी भी ड्रोन को स्लो स्पीड में नहीं उड़ाना है। ये जो उसका स्पीड के लिए होता है, इसमें जो दिया होता है 30%, 60%, 100%, जब भी हैवी विंड हो तब हमें हमेशा 100% स्पीड में ही उड़ाना है ताकि वो रेजिस्ट कर सके विंड को। और तीसरा और मेन रीज़न जो होता है वो होता है, जब हम ड्रोन को फ्लाई कर रहे होते हैं और ड्रोन हमसे बहुत दूर होता है तो हम ड्रोन शॉट्स लेने के लिए, ये तो फिलहाल ड्रोन का फ्रंट साइड इस तरफ है, लेकिन हम अगर अपने लेफ़्ट साइड का शॉट्स लेना चाहते हैं तो ड्रोन को घुमा देते हैं। उसके बाद कभी कभी हमें पता नहीं चलता ड्रोन का फ्रंट साइड कब किस तरफ है, जबकि अब मैं इसे आगे की तरफ लेना चाहूँगा तो ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ जाएगा। अगर पीछे की तरफ लेना चाहूँगा तो ये पीछे की तरफ मेरे तरफ नहीं आएगा, इस तरफ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हमारा हैंडलेस मोड भी काम नहीं करता है, तो तब हमें पैनिक नहीं होना है। पहले हमें अपने ड्रोन को सीधा करना चाहिए, तो उसके लिए हम ये वाला जॉयस्टिक यूज़ करेंगे, इस तरफ। तो इसे लेफ्ट या फिर राइट साइड एक बार घुमा के देखेंगे। अगर ड्रोन इस तरफ हुआ मतलब इसका फ्रंट अब मेरी तरफ है, तो हमें दूर से तो मालूम नहीं चलेगा इसका फ्रंट हमारी तरफ है या फिर सामने की तरफ है। तो हम इसी से ही टेस्ट करके देखेंगे। अभी मैं अगर इस जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड लूँगा तो ड्रोन राइट साइड जाएगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि ड्रोन उल्टा है। तो मैं इसे फिर से घुमाऊंगा और इसका फ्रंट साइड इस तरफ करूंगा। उसके बाद अगर मैं इसे पीछे करूंगा तो ये मेरी तरफ ही आएगा, और आगे करूंगा तो आगे की तरफ से आएगा। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों की वजह से ही हमारे ड्रोन हम खो देते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ये चीज़। तो गाइस, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा इसे। तो ड्रोन थोड़ा अनस्टेबल है, तो इसे स्टेबल करने के लिए ट्रिम की का यूज़ करूँगा। ये मेरी तरफ ज़्यादा आ रहा है तो इसे आगे की तरफ करूँगा। तो अभी ड्रोन काफ़ी स्टेबल हो गया है। और जब भी हैवी विंड हो तो हमेशा फुल स्पीड पे ही इसे उड़ाना चाहिए। दो बीप हुआ मतलब 60% स्पीड पर है, 3 बीप मतलब 100% स्पीड पर है। अगर ये 100% स्पीड पर होगा तो विंड को अच्छे से रेजिस्ट कर पाएगा। तीसरा जो रीज़न बोला था जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा अपने ड्रोन को खोते हैं, जब हमारा ड्रोन दूर चला गया होता है और उसका फ्रंट किसी दूसरे साइड हो जाता है, जैसे कि अभी मैं अपने लेफ्ट साइड की तरफ करके दिखाता हूँ। इसका फ्रंट अभी मेरे लेफ्ट साइड की तरफ है, अगर मैं इसे अपने तरफ लाना चाहूँगा तो ये मेरी तरफ ना आके राइट साइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब इसका फ्रंट दूसरे तरफ हो जाता है सारे डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। तो इस टाइम मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए और ड्रोन को पहले सीधा करने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरफ अगर अभी ड्रोन मेरी तरफ है, अगर मैं इसे लेफ्ट साइड ले रहा हूँ तो ये लेफ्ट साइड नहीं जा रहा है, मेरे राइट साइड जा रहा है। उसका मतलब मुझे पता चल गया कि ड्रोन का फ्रंट मेरे साइड है। तो मैं उसे फिर से सीधा करने की कोशिश करूँगा, फिर और एक फ्रंट लूँगा। अभी लेफ्ट साइड कर रहा हूँ तो आगे की तरफ जा रहा है, और राइट साइड कर रहा हूँ तो पीछे की तरफ जा रहा है। अभी भी ड्रोन मेरा सीधा नहीं हुआ, तो मैं इससे फिर से उसे सीधा करने की कोशिश करूँगा। अब लेफ्ट साइड कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड जा रहा है, राइट साइड कर रहा हूँ तो राइट साइड जा रहा है, फ्रंट साइड के जा रहा है, और बैक करने से बैक साइड जा रहा है। तो इसका मतलब मेरा ड्रोन अभी सही डायरेक्शन की तरफ है, मतलब उसका फ्रंट सामने ही है, तो मैं पीछे लाके उसे आराम से लैंड करवा सकता हूँ। अगर आपका ड्रोन बहुत ही दूर चला गया है और आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप बस आरटीएल मत मानना। आरटीएल मानने पर भी अगर ड्रोन का डायरेक्शन मतलब
आरटीएल मारने पर ड्रोन का डायरेक्शन जिस तरफ भी होता है, अभी ये इसका बैक साइड है तो ये बैक साइड ही जाएगा, इसीलिए आरटीएल कभी भी मत मानना। ऐसे सिचुएशन में सबसे अच्छा ये होगा आप अपना ट्रांसमीटर बंद कर दें, जिसके वजह से ट्रांसमीटर और ड्रोन का जो कनेक्शन होता है वो बंद हो जाएगा और ड्रोन ऑटोमेटिक नीचे ही उतर जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने इसी ड्रोन के ऊपर और भी दो तीन वीडियो बना के रखे हैं अपने चैनल पर, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। तो किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। सी यू सून।